स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया। पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे सोडियम हाइपोब्रोमाइड्स और यूरिया का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना था। तो पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सा है, रिएक्शन विथ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप यूरिया का रिएक्शन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम आपको इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो एक क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ही है, लेकिन यहाँ पर जो हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे इसमें यहाँ पर हम दो एसिड का स्पेशली डिस्कस करेंगे। कौन है, सी ओ ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ एच, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सैलिक एसिड। और जो हमारा सेकंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होगा, CH2COOH, इसे हम क्या कहेंगे, मालोनिक एसिड। डाई मीन्स दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब टू टाइम्स COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है इसे हम कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। वन टाइम यहाँ पर और वन टाइम यहाँ पर है, टोटल कितने टाइम प्रेजेंट है, टू टाइम प्रेजेंट है। देखिए किस तरह ऑक्सैलिक एसिड यूरिया के साथ जब होगा रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब मालोनिक एसिड यूरिया के साथ रिएक्शन होगा तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। दोनों इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, दोनों एग्जाम में आने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। हम क्या लेंगे, यूरिया, क्या मिलेंगे, यूरिया। यूरिया का रिएक्शन किसके साथ हम करवाएंगे, ऑक्सैलिक एसिड। देखिए ये क्या लिखा है, ऑक्सैलिक एसिड, बस हमने उल्टा लिख दिया है। देखिए सी ओ ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ एच, यही तो देखिए लिखा है, बस हमने पलट दिया है जिससे आपको आसान हो रिएक्शन बनाने में। देखिए यहां पर क्या करेंगे आप, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। देखिए यहां से एक हाइड्रोजन होगा और एक एसिड से OH ग्रुप, वैसे यहां पर भी होगा। देखिए एक हाइड्रोजन यहां से और एक OH ग्रुप यहां से, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से लॉस होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से लॉस होगा। देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CONH, क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, CONH। क्या बना हमारा, पैराबिनिक एसिड, पैराबिनिक एसिड, ये हमारा क्या लिखा है, यूरिया। यूरिया का रिएक्शन जब ऑक्सैलिक एसिड साथ होगा वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, एक हाइड्रोजन यहां से और एक OH ग्रुप इस एसिड से, वैसे यहां पर भी होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होंगे। देखिए CONH, क्या लिखा, CONH, फिर एक NH ग्रुप, एक NH ग्रुप, और देखिए यहां पर एक CO ग्रुप NH से जुड़ेगा और एक CO ग्रुप एक NH से जुड़ेगा। एक देखिए CO ग्रुप है, यहां पर भी CO ग्रुप, बस हमने उल्टा लिखा है। देखिए OC OC, क्या लिखा, CO ग्रुप, क्या लिखा, पैराबिनिक एसिड। ये फार्मूला किसको बता रहा है, पैराबिनिक एसिड बनेगा। अब हम आपको बताते हैं जब मालोनिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तब देखिए क्या बनेगा। हमने डिस्कस कर लिया ऑक्सैलिक एसिड साथ
और दूसरा हम रिएक्शन इसमें बताते हैं, जब आप मैलोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। क्या लिखा, CO NH2, CO NH2, क्या लिखा हमारा यूरिया, देखिए NH2 CO NH2, क्या लिखा यूरिया। यूरिया का रिएक्शन जब आप मैलोनिक एसिड के साथ करवाएंगे यूरिया का रिएक्शन है, यूरिया है ये क्या मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, तो देखिए क्या होगा, एक OH ग्रुप यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। वैसे यहां से भी देखिए एक हाइड्रोजन यहां से और एक OH ग्रुप यहां से, क्या हुआ वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ। वैसे यहां पर दो बार हाइड्रोजन लिखा है, एक हाइड्रोजन यहां से लॉस होगा और एक OH ग्रुप यहां से, क्या बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर भी बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना CO NH, NH क्या लिखा CO NH, क्या बनेगा CO NH NH CO NH NH CO NH NH और क्या लिखा है OC और यहां पर OC और CH2 बचा है, देखिए OC OC CH2 क्या बना बार ब्यूटेरिक एसिड, देखिए ये क्या लिखा हमारा यूरिया और एक कंपाउंड हमारा क्या लिखा है मैलोनिक एसिड, क्या लिखा मैलोनिक एसिड, क्योंकि जब यूरिया का रिएक्शन मैलोनिक एसिड के साथ होगा मैलोनिक एसिड के जो फार्मूला हमारा होता है यही हमने बताया था आपको अभी CH2COH सिंगल बॉन्ड सी O O H, ये क्या लिखा हमारा CH2 C O O H C O H, क्या लिखा मैलोनिक एसिड। जब यूरिया का रिएक्शन मैलोनिक एसिड के साथ होगा वाटर मॉलिक्यूल एक NH2 ग्रुप से जो एक हाइड्रोजन होगा यहां से एक लॉस होगा और एसिड से OH ग्रुप, वैसे NH2 ग्रुप से यहां एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और इस एसिड से एक OH ग्रुप, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से लॉस होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से लॉस होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएंगे, क्या बनेगा बार ब्यूटेरिक एसिड CO NH NH CO NH NH और इतना कंपाउंड बचा क्या OC OC CH2, OC OC CH2 बस हमने ऐड कर दिया, बना हमारा प्रोडक्ट इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा बार ब्यूटेरिक एसिड। देखिए रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार आने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।